हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी बेल्स। सो थंबनेल और टाइटल्स आपको पता चल गया है कि मैं आलिया भट्ट का दिस लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और ये लुक देखते ही ना मेरा दिल इस लुक पे आ गया था। बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझे। सो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं रिक्रिएट करूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया, देन सिंपल के मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज किया, एंड देन आई एम यूजिंग VLCC का स्किन प्रोटेक्टर। वॉर्म बेज शेड में है, बहुत अच्छा, लाइक टिंटी मॉइस्चराइज़र भी है इसमें, SPF भी है और एज अ प्राइमर भी एक्ट करता है और थोड़ा सा करेक्ट भी कर देता है मेरे चेहरे को। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ दिस एज अ बेस। फिर मैंने NYBA का कंसीलर लिया है टैन शेड में, जो कि मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क, आप कह लो कैमरे में लाइट लग रहा है बट ये बिल्कुल स्किन टोन से मैच करता हुआ है। सो जस्ट आई एम करेक्टिंग माई एरिया जहाँ पर मुझे थोड़ा सा डार्कनेस है, थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, थोड़े से एक्ने मार्क्स हैं, सब चीज़ों को मैं अच्छे से इससे कंसील कर रही हूँ। और मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है इसका फॉर्मूला। देन आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन, जो पहली बार मैं यूज़ कर रही थी और ये इतना बकवास फाउंडेशन है ना, प्लीज़ मत लेना। एक तो इसका जो शेड है वो बेज लिखा है बट ये बिल्कुल भी बेज नहीं। आप देखो, मैंने पहले ब्रश से कोशिश करी इसको लगाने की बट ये इतना लिक्विडी है कि ब्लेंड ही नहीं हुआ। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल मत लेना, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी और मैं इसको यूज़ भी नहीं करने वाली। अब मेरे 200 रुपये पानी में चले गए। एंड देन आई एम यूजिंग NYBA का ही दूसरा कंसीलर, जो कि मेरे शेड से थोड़ा लाइट है, ताकि जो मेरे हाईलाइटिंग एरियाज़ हैं उनको मैं हाईलाइट कर सकूँ इस वजह से। सो इस फाउंडेशन ने ना मेरा सारा लुक ख़राब कर दिया, बिल्कुल भी लुक मुझे पसंद नहीं आया अपना, क्योंकि ना अच्छे से ब्लेंड हुआ, अजीब सा पैची सा लग रहा है मेरे को, कहीं पे ब्लेंडेड लग रहा है। एक तो शेड भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइट था मेरे उससे। देन आई एम यूजिंग इनसाइड का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, जिससे मैं सब कुछ बेक कर रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था। हाँ, हमेशा कंसीलर जब लगाने के बाद आप बेक करते हो या कॉम्पैक्ट करते हो तो पहले उसको फिर से ब्लेंड करके ही आप करना, अदरवाइज़ वो क्या होता है ना, हम जब तक डब्बा खोलते हैं पाउडर का, कॉम्पैक्ट का, तब तक इधर उधर देखते हैं, ऊपर नीचे मूव करते हैं तो क्रीज़ हो जाता है, और क्रीज़ के ऊपर आप पाउडर लगा लोगे तो वो ऑलरेडी क्रीज हो जाएगा, उसको आप सही नहीं कर सकते। तो हमेशा पाउडर लगाने से पहले आप एक बार उसको ब्लेंड कर लो अच्छे से, उसके बाद पाउडर लगाओ। देन मैंने NYBA का आई शेडो पैलेट लिया है, बहुत अच्छा पैलेट है, उसमें से एक ब्राउन कलर लिया एंड देन उसको जस्ट फिंगर की हेल्प से लगा लिया अपनी लिड पे, देन काजल को ऊपर लाइन करके देन फिर मैंने उसको स्मज कर लिया ताकि वो वाला लुक आ जाए आलिया वाला, क्योंकि उसका स्मजी स्मोकी आई लुक है और बहुत डार्क काजल है लोअर लाइन पे। सो वही मैं लगा रही हूँ, पर्पल का जेल लाइनर मैंने यूज किया है। ये मैं मार्स का ये एक कॉन्टोर किट मैंने मंगाया था बट ये जो कॉन्टोर शेड है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट है मेरे लाइक फेस स्किन टोन के लिए। सो मुझे ये कॉन्टोर, मतलब फॉर्मूला बहुत अच्छा है बट शेड मेरे को समझ नहीं आया इसका, बट मैं इसमें बहुत सारे शेड हैं तो उसको एज अ कंसीलर या करेक्टर यूज़ कर सकती हूँ। देन आई एम यूजिंग ब्लश, जो कि स्विस ब्यूटी का ब्लश है और इसमें हाईलाइटिंग वो भी है, सो ये दोनों काम कर लेता है। देन आई एम यूजिंग इनसाइड का लाइनर, लिप लाइनर, उसे मैंने लाइन किया है। एंड देन आई एम यूजिंग अ डार्क लिपस्टिक ऑफ मेबलिन एंड देन आई एम यूजिंग वेट एंड वाइट का गिव मी मोका और मोचा, आई डोंट नो वो शेड, ताकि वो कलर में मैच कर सकूँ जो आलिया का है। एंड देन आई एम पुटिंग अ बिंदी एंड द नोज रिंग। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप मैंने थोड़ा बहुत जस्टिस किया है बिकॉज मेरा स्ट्रेटनर भी मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं अपने बाल स्टाइल कर सकूँ, बट मुझे लगता है कि मैं और बेहतर इस लुक को कर सकती थी बट फाउंडेशन ने मेरा सारा मेकअप ख़राब कर दिया। बट क्या सोचते हो आप लोग, व्हाट डू यू थिंक कि कैसा बनाया मैंने ये मेकअप, मैं जस्टिफाई कर पाई उस लुक को या नहीं? बट आलिया भट्ट जैसी तो मैंने कभी नहीं लग सकती, बट हाँ थोड़ा सा क्लोज तो लग रहा है, बट इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता था। सो बाय, टेक केयर।